सो गाइस, मैं आप लोग के लिए लेके आ गया हूँ एक बजट फ्रेंडली ब्लूटूथ नेकबैंड एयरफोन का रिव्यू, और वो भी मेड इन इंडिया बाय मीवी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सबसे न्यूली लॉन्च्ड मीवी कॉलर फ्लैश की, और मैं इसका प्रोडक्ट रिव्यू बना रहा हूँ एक महीने यूज़ करने के बाद। सो वीडियो शुरू करने से पहले ये जो लाल बटन है दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा वीडियो अच्छे लगे। तो चलिए चलते हैं। सो प्लास्टिक क्वालिटी की बात करें तो डिसेंट है, और आपका बटन भी काफ़ी टेक्टाइल है, सो दैट्स गुड। एंड सबसे लो क्वालिटी बस लगेगा तो आपको ये वायर लगेगा, बट हाँ, अगर आप ध्यान से रखेंगे तो अच्छा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसके जो एयर प्लग्स हैं वो बहुत ही प्यारे लगे मेरे को, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बने हुए हैं, मतलब मेटल अलॉय मिक्स करके बनाया हुआ है, और मैग्नेटिक है तो सबसे अच्छी बात। और इसके जो एयर टिप्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, मीडियम वाले जो थे मेरे फिट आ गए। सो वैसे इसमें तीन तरीके के मिलते हैं, जैसे एक लगा हुआ है और दो तरीके के और मिलते हैं आपको। और इसको लगाने के बाद जो फिटिंग आती है वो कमाल आती है, मतलब बहुत ही लाइट वेट है, मज़ा आ जाता है। और प्लस इसकी फिटिंग इतनी अच्छी है कि आपका एनवायरनमेंट नॉइज़ कैंसिल ऑलरेडी हो जाता है, और कंपनी भी बोलती है इसमें पैसिव नॉइज़ कैंसिलेशन है, सो दैट्स गुड। और अगर हम बात करें रनिंग वगैरह में, तो रनिंग में थोड़ा बहुत उछलता, ज़्यादा नहीं उछलता, सो दैट्स गुड। बट मैं प्रेफर करता हूँ कि वाइड वाला रहे, थोड़ा सा कंफर्टेबल रहता है मेरे हिसाब से, अदरवाइज़ ये काफ़ी लाइट वेट है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और IPX4 रेटिंग के साथ आता है, मतलब कि स्वेट एंड स्प्लैश प्रूफ। आप कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें ब्लूटूथ 5.0 है, सो 5.2 लेटेस्ट है, तो 5 है, दैट्स गुड, नॉट बैड। और इसमें ड्यूअल पेयरिंग मोड है, तो मतलब आप दो स्मार्टफोन या फिर एक स्मार्टफोन और एक लैपटॉप या फिर जैसा भी आपको देखना है वो कर सकते हैं। सो मैं इसको आईफोन और अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन के साथ यूज़ कर रहा था, दोनों को कनेक्ट रखता था एक साथ। विंडोज 11 की पेन ड्राइव, आपका अगर ब्लूटूथ जब कनेक्ट करते हैं फर्स्ट टाइम तो थोड़ा टाइम लगता है, तो आपका कनेक्ट हो जाता है एक बारी में, कोई दिक्कत नहीं होती। और दोनों के लिए अलग से बोलता है इसमें, और अगर हम बात करें कि इसका 10 मीटर का रेंज है, जो कि नॉर्मली स्टैंडर्ड है सबके लिए, तो दैट्स गुड। और ऐसे नॉर्मल वीडियो वगैरह देखेंगे आप इसको लगा के, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो डिले बहुत नॉर्मल होता है। बट हाँ, गेम्स में तो डिले आते ही आता है, उसमें कोई लेटेंसी का आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला, पहले ही बता दूँ। सो डिले आएगा आएगा, वो तो आप छोड़ ही दो। मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि वायर्ड एयरफोन से ही आप कहीं पे भी गेम खेलें तो वायर्ड एयरफोन से यूज़ करें। सीरी और गूगल असिस्टेंट का कोई सपोर्ट नहीं है इसमें, तो आप इसको अगर मेन बटन को डबल क्लिक करेंगे तो आपका कॉल लग जाएगा, जो भी लास्ट डायल कॉल होगा वो अपने आप कॉल लग जाएगा, चाहे फ़ोन लॉक्ड हो चाहे कुछ हो, बट फ़ोन लग जाता है। सो ये थोड़ा सा मेरे को लगा, बट हाँ, मैं मांग नहीं सकता इस प्राइस पे। कंपनी क्लेम करती है इसकी बैटरी लाइफ अप टू 24 आवर्स, बट वॉल्यूम एट 70%, और मैं जब यूज़ कर रहा था इसको 80-100% की वॉल्यूम में यूज़ कर रहा था। सो मुझे अराउंड इसने 20 आवर्स का बैकअप दे दिया अप्रॉक्स, ठीक है, क्योंकि इतना मैं भी यूज़ नहीं कर पाऊँगा। हाँ, मतलब आप, लेकिन आप एक हफ्ते में यूज़ करेंगे 3-3 घंटे डेली, सो बहुत आराम से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसमें बोलते हैं कि आपका 0 to 100 चार्ज हो जाएगा आपका 40 मिनट्स में, और आपका जो 10 मिनट्स का चार्ज होगा आपको 10 घंटे तक का चार्ज दे सकता है। सो बट इनका ये भी ध्यान रखना, आप ये 70% वॉल्यूम पे सब कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखना। हाँ, नेट पिकिंग की जाए, वैसे तो सस्ता है ये ब्लूटूथ एयरफोन, लेकिन नेट पिकिंग की जाए तो इसमें माइक्रो USB है, टाइप सी होता तो मज़ा ही आ जाता, बट ठीक है। गाइज, अब हम चेक करते हैं कॉल क्वालिटी कैसी है इसकी। तो मैं अपने भैया से बात कर रहा हूँ, अभी ब्लूटूथ एयरफोन से ऑन हूँ, सो आप चाहें तो मैं फ़ोन रख देता हूँ यहाँ पे, ताकि रेंज भी पता चलती रहेगी और हम बात भी करते रहेंगे। तो अभिषेक भैया, अभिषेक बागरोली नाम है इनका, ये हमारे साथ कॉल में जुड़े हुए हैं। आपको कैसा लग रहा है मेरा माइक्रोफोन क्वालिटी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कुछ हवा, यहाँ पे हवा भी चल रही है, गाड़ियों का हॉर्न भी है, घर भी बन रहा है मेरे सामने, आपको कुछ आवाज़ आ रही है? नहीं, कुछ भी नहीं, वैसा तो कुछ भी नहीं आ रहा है। अच्छा, अच्छा है, मतलब माइक्रोफोन क्वालिटी? हाँ, माइक्रोफोन क्वालिटी अच्छा है। अच्छा, चलो ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। तो हमें कब मिल रहे हैं? क्या चीज? हेडफोन। अच्छा, हम मीवी को बोल के आपके पास भी एक भिजवा देते हैं। चलेगा, थैंक यू, थैंक यू दोस्तों। ये कॉल क्वालिटी की मैंने रिकॉर्डिंग की थी, तो आप लोगों को कैसा लग रहा है, कुछ फीडबैक देना चाहेंगे तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा मेरे को। सो
सो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो कि है कि आवाज कैसे सुनाई देती है यार। तो आवाज के लिए इसमें 10 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स लगे हुए हैं, और जो भी मैंने टेस्टिंग की है इसकी 320 kbps ऑडियो पे की है, जो कि सबसे हाईएस्ट होती है नॉर्मल ऑडियो में, और आपको सब म्यूजिक ऐप्स वगैरह में मिल भी जाती है। सो अब बात करें तीन तरीके में, तीन डिफाइन कर रखा है मैंने इसको, लोज और बेस में अगर हम बात करें। सो काफ़ी अच्छा है बेस, बट हाई वॉल्यूम्स में थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड होने लगता है, तो आपका आगे आपके लिरिक्स वगैरह में वोकल्स में दिक्कत होती है। तो उसमें 90-95% रखेंगे ना तो काफ़ी अच्छा चलेगा, नो प्रॉब्लम। और उसके बाद बात करेंगे मिड्स और वोकल्स की, राप्चिक बोले तो अमेजिंग, बहुत ही मज़ा आ गया। मतलब कुछ कुछ ऐसी आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी मेरे को जो मैंने कभी किसी एयरफोन में नहीं सुनी, मतलब पीछे कोई बैकग्राउंड म्यूजिक में कुछ बज रहा है वो हल्का सा, वो भी सुनाई दे रहा था मेरे को, तो बहुत ही मज़ा आ गया। मतलब मिड्स एंड वोकल्स आर अमेजिंग, मज़ा आ गया। और उसके बाद बात करें हाइज और ट्रेबल्स की, तो हाइज एंड ट्रेबल्स थोड़ा हाई वॉल्यूम में वही थोड़ा सा डिस्टॉर्ट करते हैं, थोड़ा सा संभाल सकते थे बट थोड़ा ज़्यादा ही ये लोगों ने ओवर कर दिया, तो उसमें भी अगर आप थोड़ा सा वॉल्यूम कम रखेंगे तो सही रहेगा। तो ओवरऑल इट्स गुड। हाय गाइस, तो पहले मैं आपको माइक्रोफोन क्वालिटी दिखा रही हूँ, तो अभी आप कैमरे की आवाज़ सुन रहे हैं, और अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कि मेरे एयरफोन से जो आपका नेक बैंड है मीवी कॉलर फ्लैश, उससे कैसी ऑडियो आ रही है आपको माइक्रोफोन से, इसके इनबिल्ट माइक्रोफोन से। तो आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स में कि आपको कैसी लग रही क्वालिटी, और मैं आपको थोड़ा सा मोबाइल रख दूर जाने की कोशिश करता हूँ कि आप पता कितना ये रेंज है इसका, तो आपको चल जाएगा। तो देखिए मैं कितना दूर जा रहा हूँ और कहाँ तक ये ऑडियो रिकॉर्ड कर पाता है। तो अभी तक मैं बोल रहा हूँ और मैं चल रहा हूँ, बट ये काम है, एंड अभी देखते हैं जाके कॉल रिकॉर्डिंग में कैसा क्या है। एंड आई बिलीव इतनी रेंज तो काफ़ी है एक रूम से इधर से जाने में भी, थोड़ा वॉल्स में दिक्कत हो रही है रेंज की वजह से। माइक्रोफोन क्वालिटी की बात करें तो इट्स गुड, आप लोगों ने भी सुना, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो मेरे हिसाब से तो अच्छा ही है, अगर आप TWS वगैरह यूज करेंगे ना इस प्राइस रेंज के आसपास तो उसका बहुत बेकार आने वाला है, बट नेक बैंड्स वगैरह का अच्छा आता है क्योंकि माइक इसका आपका मुंह के पास रहता है, सो ये ज्यादा अच्छा रहता है मेरे हिसाब से। अब वारंटी और सर्विस की बात करें तो इसमें 1 ईयर की वारंटी मिलती है जो कि स्टैंडर्ड है, लेकिन इसमें सर्विस के लिए थोड़ी सी दिक्कत है, इसके अलग अलग से सर्विस सेंटर्स नहीं है, बट आपको इसको प्रोडक्ट को रजिस्टर करना पड़ेगा वेबसाइट पे, ठीक है। उसके बाद आपको जब वारंटी क्लेम करनी है तो आपको एक ईमेल एड्रेस दिया जाएगा, उसको ईमेल करना है आपको अपने डिटेल्स और क्या प्रॉब्लम हुई है क्या नहीं। उसके बाद अगर आपके एरिया में ब्लू डार्ट की सर्विस है तो आपको ब्लू डार्ट की सर्विस में ही मतलब आपको भेजना है, तो आपके कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, ठीक है, उसके थ्रू भेज देना। अगर आपके एरिया में ब्लू डार्ट की सर्विस नहीं है तो आपको खुद खर्चा करके ब्लू डार्ट के या जो भी आपको आसपास है उस कोरियर थ्रू आपको भेजना होगा कंपनी को, और फिर जो भी उनका प्रॉब्लम्स होगा सही करके वो लोग वापस भेज देंगे। सो ये थोड़ा सा इसका लंबा प्रोसीजर है जो मैंने कहा सोचा कि आपको बताना चाहिए। सो प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो की बात करें तो 1000 rupees में इज़ अमेजिंग, कुडोज टू मीवी, आई लव दिस प्रोडक्ट सीरियसली, एंड वन ऑफ द फर्स्ट प्रोडक्ट्स जो मैं मीवी का यूज़ कर रहा हूँ, ये भी मैं आपको बता दूँ। सो मेरे को तो मज़ा आ गया सुन के, और इससे पहले मैं ऐसे एक एक्स ब्रांड का प्रोडक्ट यूज़ कर रहा था जो कि वायर्ड वाला था, सो उसके मुकाबले तो बहुत ही अच्छा साउंड लगा मेरे को, और वो महंगा भी था इससे, तो बहुत ही मज़ा आ गया मेरे को, और सीरियसली अमेजिंग। और ये सेल पे भी 800 rupees का मिल जाता है, तो लेना है ना मतलब 1000 rupees के अंदर दी बेस्ट है, ले सकते हो। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अगर आपको लेना है डायरेक्टली जाके ले सकते हैं। अगर आप बोलेंगे कि मैं इसमें स्कोर दूं एक, सो मैं इसको स्कोर देना चाहूँगा 8/10 का, विच इज़ गुड एनफ। और भी अगर आपको कोई TWS या ब्लूटूथ नेकबैंड एयरफोन्स वगैरह लेने हैं तो मेरे बेस्ट रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स आपको नीचे लिंक मिल जाएंगे, तो आप जाके खरीद सकते हैं डायरेक्टली, चैनल को हेल्प भी हो जाएगी। सो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आपके कोई भी फीडबैक सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मुझे। एक सबसे बड़ा कॉन लगा मुझे कि जब भी लटका हुआ है मतलब मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो मेरे पेट से टकराते रहेगा, बाउंस करते रहेगा, मैं चलते रहूँगा जब, सो वो थोड़ा सा अनॉइंग लगता है मेरे को, तो इसका कुछ तो जुगाड़ होना चाहिए था, अदरवाइज दैट्स गुड। एंड इसका वेट भी काफ़
काफी लाइट वेट है, 29 ग्राम्स का ही है बस। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। सब्सक्राइब आप लोगों ने कर लिया होगा, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा वीडियो अच्छे लगे। आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय।